जी सर, क्या नाम आपका? जाकिर हुसैन जगर। जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस का होने के नाते आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 4-5 दिन पहले किसी ने एक फेक न्यूज डाली है कि डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जरगर ने ब्लॉक जिक्यास की यूथ कमेटी को डिजॉल्व किया है। ये बिल्कुल सरासर झूठ फेक न्यूज डाली है। ऐसा कोई भी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा हमदर्द नहीं हो सकता है कि जो अपनी जगह दूसरे का नाम लेकर और किसी कमेटी को डिजॉल्व करे। इस वक्त हमें इसलिए पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने नहीं बनाया है कि हम बंधुओं को तोड़ें, बल्कि हमारा काम है जोड़ना। मेरा काम है डिस्ट्रिक्ट की पूरी यूथ को अपने साथ जोड़ना ताकि पार्टी को फायदा हो सके। ऐसा तो मेरे पास कोई भी मशवरा भी नहीं था, कोई भी तहरीक नहीं है कि बंधुओं को पार्टी से हटाना। ये किसी भी पार्टी का काम नहीं हो सकता, वो पार्टी का हमदर्द नहीं हो सकता जो पार्टी से नौजवानों को हटाए। अगर पार्टी का कोई हमदर्द है, उसका काम है नौजवानों को अपने साथ जोड़ना ताकि पार्टी कामयाब हो सके, उसमें तरक्की आ सके। मैं तो ये सरासर कहता हूँ कि जिस आदमी ने ऐसी न्यूज़ ये फेक न्यूज डाली है वो पार्टी का दुश्मन हो सकता है, वो दोस्त नहीं हो सकता है। उन्होंने मेरा नाम लेकर ऐसा किया। मैं हाईकमांड से भी अपील करता हूँ कि ऐसे जैसे आदमी पर इंक्वायरी की जानी चाहिए जिसने ये बिना किसी मीटिंग के ऐसा ये एक इश्तिहार बनाकर और फेसबुक पे चढ़ाया। मैं इस बात की बहुत मुजम्मत करता हूँ और अफसोस से कहना चाहता हूँ कि ये वो भलेसा है जहाँ पर फकरे हिंद गुलाम नबी आज़ाद से आज़ाद साहब की जैसी हैसियत ने यहाँ पर जन्म दिया है, मोहम्मद शरीफ न्याज साहब की ये शख्सियत ने यहाँ पर जन्म दिया है, रबीउल्लाह मलिक साहब जैसी शख्सियत की जिन्होंने यहाँ पर जन्म दिया है, उनकी लगाई हुई बाग को इस वक्त हम भलेसा के नौजवान जिन्हें पूरा ये भी मालूम नहीं कि कांग्रेस कैसे बनी, वो जम्मू कश्मीर में कैसे आई, डिस्ट्रिक्ट डोडा में कैसे बनी, फिर भलेसा में कैसे वजूद में आई, वो आज खुद अचानक कहीं पत्थर पे चढ़ के कहीं दरख्त पे चढ़ के ऐसी खबर लिख देते हैं कि पार्टी का ये आर्डर है जहाँ इतने लोगों को हटा दिया। ये कोई पार्टी का दस्तूर नहीं। पार्टी जब भी किसी को हटाती है तो हाईकमांड का फैसला होता है, जो हाईकमांड फैसला देती है फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले फिर तहसील वालों से मीटिंग करते हैं, तहसील वाले फिर ब्लॉक वालों से मीटिंग करते हैं, उसके बाद ग्राम सभा हर पंचायत में बैठती है, वहाँ पर पंचायत के वर्करों से पूछा जाता है, इस चीज़ की इंक्वायरी की जाती है, फिर पार्टी से किसी एक दो आदमी को हटाया जाता है अगर उन्हें कोई ब्लेम लगे, अगर उनका कोई प्रूफ हो, अगर वो कांग्रेस में बैठकर बीजेपी का काम करें या कोई और किसी पार्टी का काम करें, उसके बाद उनका हकीकी प्रूफ पकड़ कर और पूरी उनकी दरहफत करके उन्हें हटाया जाता है। फिर भी उन्हें पहले नोटिस दी जाती है कि अगर वो अपने काम से गलत काम से बाज आकर फिर अपनी पार्टी में काम हमदर्दी से करें तो उन्हें फिर भी टाइम दिया जाता है, उन्हें हटाया नहीं जाता है। ये तो मैंने आज अचानक ही सुना 15-20 दिन के बाद, क्योंकि मेरे वालिद साहब का ऑपरेशन जम्मू में था, मैं खुद वहाँ अपनी मुसीबत में लगा रहा, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि यह ऐसा बलात् जिक्यास में हुआ है कि किसी बंदे के ऐसे दिमाग में ऐसा फुतूर बैठा हुआ है कि हम पार्टी को हटाएं। तो यहाँ आकर मैंने ये सुना तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात की मैं मुजहिमत करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर पार्टी का कोई हमदर्द है उसको हर बंदे को जोड़ना है। अगर इस वक्त हमें नौजवानों के लिए उनके जहाँ उनका पसीना गिरेगा वहाँ अगर मेरा खून भी गिरेगा, मैं अपना खून गिराने के लिए तैयार हूँ उन हर नौजवान के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए। अगर मुझे उनसे माजरत भी मांगनी पड़े तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ कि हर नौजवान को मैं अपील करता हूँ कि कांग्रेस से जुड़ो, ताकि अगर कांग्रेस से जुड़ोगे पढ़े लिखे नौजवानों को इस वक्त जो उनकी तालीम है वो बंद इन क्या बोलते हैं बंद इन बक्सों में पैक की गई है, क्योंकि इस पर रोजगार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर इस वक्त कांग्रेस वजूद में आए पूरे जम्मू कश्मीर में अंदर, बल्कि पूरे सेंटर तक हमारी पार्टी कामयाब हो, तो इस वक्त अगर हमारा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का बने जम्मू कश्मीर के अंदर, तो मेरा उसका सबसे पहला ये पैगाम होगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिया जाए, ताकि तभी जाकर यहाँ ये तरक्की हो सकती है जब पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा।